एडीजी जोन अखिल कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन तमंचा के तहत राजघाट पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने एक अवैध पिस्टल और बाइक बरामद किया है, जिसके संबंध में सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह ने बताया कि राजघाट पुलिस के ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी इंचार्ज अवधेश कुमार मिश्र ने एक अभियुक्त को अवैध पिस्टल तथा एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान बलराम निषाद पुत्र रामू निषाद निवासी चकरा अवल थाना राजघाट के रूप में हुई है। सीओ कोतवाली ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। सीओ कोतवाली ने कहा कि असलहों से प्रदर्शन करने वाले तथा अवैध असलहा रखने वालों की धरपकड़ जारी रखते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रखा जाएगा, जिससे अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह ने कहा, एडीजी महोदय द्वारा जनपद में ऑपरेशन तमंचा अभियान चलाया जा रहा है। उस ऑपरेशन के तहत ट्रांसपोर्ट नगर चौकी इंचार्ज के द्वारा एक अदर पिस्टल बरामद की गई है और अभियुक्त बलराम को गिरफ्तार किया गया है। और इस संबंध में जानकारी दिखाई जा रही है कि पिस्टल कहाँ से आई है, इसके द्वारा ली गई है, इस संबंध में जानकारी दिखाई जा रही है।